ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज सिंपली टू बी विद योर सेल्फ विथ टोटल अवेयरनेस। ध्यान बस अपने साथ रहना है परिपूर्ण सजगता के साथ। वेरी सिंपल एंड वेरी प्रिसाइज, बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक। अपने साथ रहना, अपने होने में डूबना और परिपूर्ण सजगता से, वही ध्यान। ध्यान में कुछ करना नहीं, कुछ करने की कोशिश नहीं, इधर उधर भागना नहीं, बस अपने होने में डूब जाना। दुनिया में हर बात इनकार करी जा सकती है, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो कोई सत्य हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, लेकिन एक बात के प्रति इनकार करना बिल्कुल भी संभव नहीं, वो है हमारा होना। हम हैं, ये स्पष्ट है। हैं तो इनकार भी है और स्वीकार भी है, संघर्ष भी है और शांति भी है, द्वंद्व का पूरा जगत है और निर्द्वंद होने की संभावना भी है, द्वैत का नृत्य और अद्वैत की स्थिरता और शांति, सब हमारे होने से ही है। तो अपने होने में डूब जाना। अब कैसे डूबेंगे अपने होने में और पूरी सजगता उसके साथ? अपने होने से हम दूर होते हैं जब हम अपने नाम, अपने रूप और अपनी आरोपित की गई पहचान से अटक जाते, वो बाधा बनती है। जैसे व्यक्ति बैठा है तो वो अपना होना किसे कहेगा कि जो उसकी आइडेंटिटी उसको मिली है उसको, या जो आइडेंटिटी के परे बस होना है, नेमलेस फॉर्मलेस अनाम अरूप जो उपस्थिति है उसको? तो जो होने की बात है वो अनाम और अरूप उपस्थिति ही है। तो ये अपनी पहचान की परतें हटानी होती हैं समझ के साथ, पूरी सजगता के साथ। टोटल अवेयरनेस या परिपूर्ण सजगता ही इस बात की है कि हम धीरे धीरे उन परतों को हटा पाते हैं, धीरे धीरे हम जान पाते हैं कि हमारे होने के ऊपर कितनी परतें इकट्ठा हैं और उसके नीचे हमारा विशुद्ध होना छुपा हुआ है। जैसे ही हम उसके संपर्क में आते, जैसे ही हम उसके साथ डूबते हैं, एक गहरा ध्यान प्रकट होता है। अब ध्यान प्रकट होता है, इस शब्द को भी अगर हम देखेंगे तो इसकी भी अपनी एक परत है जो इसकी परिभाषा में, इसके सारे कॉन्सेप्ट में छुपी हुई है, और व्यक्ति उन परिभाषाओं और कॉन्सेप्ट के कारण ही ध्यान से भी नहीं जुड़ पाता। ध्यान भी उन परिभाषाओं और अवधारणाओं से परे है, हमारा होना भी परिभाषाओं और अवधारणाओं से परे है। तो हमारे होने की अवस्था जो अनाम अरूप नेमलेस फॉर्मलेस, और ध्यान का होना, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए अगर ये कहा जाए ध्यान घटता है तो ध्यान ही है, जब परिपूर्ण सजगता है, यानी कि हम अपने सजगता के प्रति भी सजग हैं, हम अपने चैतन्य होने के प्रति भी चैतन्य हैं, अपने होने के प्रति भी जागरूक हैं, तो ये हमारे उस होने की ही एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। वो घटी, वही ध्यान है। तो ये इतना सरल है जिसमें कुछ करना ही नहीं है, यानी कि कोई क्रिया, कोई विधि, किसी उपाय की जरूरत नहीं। बस इसको एक बार समझ लें, बैठे और ध्यान में डूब गए। अपने होने से व्यक्ति अलग तो है ही नहीं, बस अपने होने को, अपने ऊपर जमी परतों को हटाकर देख लेना, और फिर ध्यान ही बचता है, या जो बचता है वही ध्यान होता है।